एक बंदा मुझे मिला, दोस्ती यारी हुई, बात शुरू हुई, तो मैंने पूछा क्या करते हो। पहले हमारी गारमेंट्स की शॉप थी, मतलब अभी अभी हमने किराने की दुकान खोली बट चली नहीं, वो भी दुकान नहीं चली, ये भी नहीं चली। तो मतलब अभी और क्या प्लान कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि बच्चों की स्कूल और कुछ गैजेट्स और कंप्यूटर की दुकान खोल लूँ, तो मतलब वो भी नहीं चलेगी। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आपको लगता है वो जगह सूट नहीं करती मुझको? मैंने कहा नहीं, आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप किसी भी एक काम में कंसिस्टेंट नहीं है। आपके आगे नहीं बढ़ पाने का रीज़न, आपके बिजनेस को आप पुश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप एक ऊपर टिके नहीं हैं। मैंने कभी स्कूल चेंज नहीं किया, मॉडल हाई स्कूल कभी चेंज नहीं किया, मैंने कभी कॉलेज चेंज नहीं किया, मैंने कभी अपने गुरु चेंज नहीं किए। जब मैं महेश भट्ट जी के साथ काम कर रहा था, हम लोग को नील जीरो पैसा मिलता था, मगर मैंने कभी चेंज नहीं किया क्योंकि वहाँ मुझे वैरायटी ऑफ काम सीखने का मौका मिल रहा था। और दूसरे डायरेक्टर जो मुझे बुलाते थे कि आप बहुत अच्छे एसोसिएट डायरेक्टर हो, हमको ज्वाइन कर लो, मैंने इसलिए स्कूल चेंज नहीं किया कि मैं भटक जाता, मुझे खिचड़ी थॉट्स मिलते, इस डायरेक्टर का कुछ, उस डायरेक्टर का कुछ। और होता क्या कि मैं कंसिस्टेंट नहीं होता, मैं डायरेक्टर नहीं बन पाता। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे अपना रेज्यूमे भेजते हैं कि सर हम लोग पहले प्रोडक्शन में थे, असिस्टेंट रख लीजिए, तो सर मैं एक्टर था, कुछ काम नहीं है तो मेरे को टीम में रख लीजिए। आप इसको मजाक समझते हैं, आप जिंदगी की डिजाइनिंग को मजाक समझते हैं। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा लगातार एक ही काम में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है और जॉब चेंज कर रहे हैं, तो जानते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है? आपके अंदर कोई पैशन नहीं है, आपने अपने आप को डिस्कवर ही नहीं किया है। अगर आप अपने आप को डिस्कवर कर चुके होते, आपके अंदर पैशन होता, तो आप चेंज करते ही नहीं जब तक आप अचीव नहीं कर लेते। जैसे मुझको लोग बोलते हैं कि आपने बॉडी में इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्योंकि मैं जिम में कंसिस्टेंट हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, 10 दिन बाहर जाता हूँ, शूटिंग करता हूँ, फिर लौट कर आता हूँ, फिर जिम शुरू करता हूँ, फिर डाइट करता हूँ, मैं बहुत सारे खाने की फोटोज़ डालता हूँ, बहुत सारे जिम के शॉट्स डालता हूँ, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए। आपकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है, शुरू तो बहुत अच्छे से करते हैं आप, बीच में अधूरा छोड़ देते हैं आप, कंसिस्टेंसी। मुझे एक बैंक के मैनेजर ने कहा था, सर ब्रांच बार बार बदलिए मत, क्या होता है स्टाफ आपको देखते देखते पहचानने लगता है और आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस और पर्क्स मिलेंगे, बहुत सारा काम आपका फ़ोन पर हो जाएगा। मैंने 20 साल तक अपने बैंक की ब्रांच चेंज नहीं की, मैंने बैंक चेंज नहीं किया। इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप पैशन ड्रिवन हैं, तो आप जब तक अचीव नहीं करेंगे, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, परसिवरेंस, लगातार 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 लगातार। जैसे हमारे गुरु सज्जाद हुसैन जी बोलते हैं ना कि ये झकत विद्या है, संगीत जो है वो झकत विद्या है, झक मारनी पड़ती है। वो बात मैंने गांठ बांध कर रख ली है, और इससे पहले भी मैं लगातार वही करता। मैं मार्शल आर्ट्स में था, मैं फुटबॉल में था, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मैंने एनसीसी नेवी ज्वाइन किया, मैं बोट एक्सपीडिशंस पे गया हूँ, ट्रैकिंग पर गया हूँ। मैंने अपनी एनर्जी को सही इस्तेमाल किया, कंसिस्टेंटली इस्तेमाल किया, कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल किया। अगर आप मैं मुझे रिजेक्शन हो रहा है, मैं नरेशन देने जा रहा हूँ, मुझे किसी एक्टर ने मना कर दिया, किसी स्टूडियो ने मना कर दिया, तो क्या होगा? आप हार जाएंगे, आप जॉब चेंज कर देंगे, आप जगह बदल लेंगे, आप अपने आप को बदल लेंगे। नहीं, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? आप खो जाएंगे, आप कभी भी जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और आपको एक और बताता हूँ मैं बात, कि आपकी फिटनेस, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी पॉजिटिविटी, ये आपको सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली मेंटेन करनी है, क्योंकि ज़िंदगी में हार जीत लगी होती है, अटेम्प्ट करने वाला कभी हारता नहीं है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फिट रखिए, आपको फिर मौका मिलेगा, मगर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया, वो जो लास्ट पुश होता है ना, जैसे हम लोग जिम में भी मार रहे हैं तो लास्ट वाला नहीं जाता, मगर वो जो लास्ट वाला जाता है उसी से बॉडी बनती है। कंसिस्टेंटली पुश कीजिए, कंसिस्टेंटली अचीव करने के लिए चेस करते रहिए। कौन रोक रहा है आपको? आप खुद रोक रहे हैं अपने आप को। सुबह जल्दी उठिए। हारने वालों की सबसे पहली पहचान होती है, वो एएम पे नहीं उठते, वो पीएम में उठते हैं। जो लोग 10 बजे, 10 बजे के बाद सोकर उठ रहे हैं, उनसे तो कोई उम्मीद ही मत कीजिए। उनको अपना क्रिएटिव पैसा, ज्ञान, एक्सपीरियंस कुछ भी मत दीजिए, उनका कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग पागल दीवाने होते हैं, उनको रात को भी नींद नहीं आती, सुबह भी नींद नहीं आती, वो सुबह उठते हैं एक मोटिवेशन के साथ, और कंसिस्टेंटली अपने उस मोटिवेशन को पुश करते रहिए। देखिए, ऑडिशंस पर जाना, काम मांगना, अटेंडेंस लगाने की तरह नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट सर, सर कुछ काम हो तो बता देना। क्या है आपके अंदर, क्या यूएसपी आपके अंदर, क्या स्पेशलाइजेशन है आपके अंदर, उसके लिए आपको काम मिलेगा। अगर आपके अंदर वो स्पेशलाइजेशन, वो यूएसपी नहीं है, तो जाइए, भीड़ का हिस्सा बन जाइए, ऑडिशन की लाइन में लगिए। बार बार जॉब चेंज मत कीजिए, दूसरों के एक्सपेंस पे अपनी ज़िंदगी का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। खाली हूँ तो मैंने सोचा प्रोडक्शन कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा उससे। आपको ना लैपटॉप ऑपरेट करता आता है, ना आपको पीपीटी बनाते आता है, ना आपने अपने आप को अपडेट किया है। शरीर की बनावट आपकी चेंज हो गई है, फिटनेस आपके साथ नहीं है, आप कंसिस्टेंट ही नहीं है।
आपके अंदर थॉट्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने डिस्कवर नहीं किया अपने आप को, आपके अंदर का पैशन जो है वो जागा ही नहीं है। बहुत सारे लोग 40 साल के बाद जागते हैं, धिक्कार है। मतलब जो काम आपको 16 से 32 की एज में करना चाहिए वो आप 40 के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे सफलता मिलेगी आपको? पहला हिस्सा, जिंदगी का पहला हिस्सा सबसे ज़्यादा काम करने का होता है। ये वर्ड हटा दीजिए स्ट्रगल और संघर्ष, प्रोसेस, वी आर इन द प्रोसेस। जिंदगी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ये कोई संघर्ष, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। मैं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे एस्टैब्लिश स्ट्रगलर्स को जानता हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, काम भी मिल रहा, मगर स्ट्रगल ही खत्म नहीं होता उनका, संघर्ष खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेंटल इनसिक्योरिटी है। मेंटल इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि आप अपने पैशन से ड्रिवन नहीं है। आपको लगता है कि ये भी मुझे मिल जाए, उसको मिल गया तो मुझे ये भी मिल जाए, कंसिस्टेंसी है नहीं आपकी, आप यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ जा रहे हैं, इसीलिए रिलेशनशिप भी टूटती हैं। अगर आप बार बार अपने दोस्त बदल रहे हैं, बार बार अपना पार्टनर बदल रहे हैं, तो आपके जीवन में प्यार की कंसिस्टेंसी भी नहीं रहने वाली है। और अगर आपकी फिटनेस करेक्ट नहीं है तो जैसे ही मौका आएगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले आप जिम जाएंगे या डाइट करेंगे, अपने मोटापे के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को ये एपिसोड बना के ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो बिना कंसिस्टेंसी के अज्यूम कर रहे हैं कि घर बैठे थाल में हमको फिल्म मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, इसका प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, हम उस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लालच दे रहा है, आपके अंदर ऐसी कोई USP नहीं है जो मुझे लगे। अगर मुझे आपको काम सिखाना पड़े तो मैं आपको क्यों रखूँगा? अगर आप अपने आप को एक्टर बोलते हैं तो मैं तो मानकर चलता हूँ ना, आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली कुछ तो आता होगा, आपकी ज़बान में क्लैरिटी होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होगी, आप आई कॉन्टैक्ट करना जानते होंगे, आप एडिट लेंथ जानते होंगे, आप म्यूज़िक की थोड़ी सेंस रखते होंगे। अगर नहीं रखते हैं, जाइए पहले सीख कर आइए। बार बार अपना जॉब, अपना पैशन शिफ्ट मत कीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंट रहिए, और फिर देखिए बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होगी और करियर भी। जय हिंद।